आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ इंश्योरेंस प्लेयर इन इंडिया। कहते हैं कि जो इंश्योरेंस के जो प्लेयर होते हैं, मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज, कौन सी ऐसी प्लान अपनाएं ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से हो। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन। सिंपल इसमें क्या होता है, कहते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट को कहते हैं अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना होता है। कि जैसे कि आपको पता है कि कई प्रोडक्ट होते हैं जिनको जो लगता है कहते हैं सेम हो, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अपना लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ऐसे लगता है कि सेम है बट सेम नहीं है, ठीक है। दोनों के अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी पॉलिसी आप ले लीजिए, उन सभी में कुछ ना कुछ अलग होता ही होता है, ठीक है। तो यहीं पे कहते हैं सिंपल आपने अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। एंड प्लस उसी के साथ ही अपने जो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू जो टारगेट है, तो उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कहते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। इससे क्या होगा, कहते हैं दिस एनेबल द कस्टमर टू डिवर्सिफाई द डिस्कवरी। इससे कहते हैं वो जो कस्टमर है अच्छे से कहते हैं अपने रिस्क को कहते हैं डिवर्सिफाई कर सकता है, ठीक है। उनकी ढूंढ सकता है, पहचान सकता है कि मुझे कौन सी पॉलिसी चाहिए, उस पॉलिसी कि मुझे मतलब कि कौन सा रिस्क मुझे है पहले, उस पॉलिसी के लिए, उस रिस्क के लिए मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज। इन केस ऑफ अ कस्टमर सर्विसेज मोर देन ई सेल्स, ई सर्विसेज नीड टू बी डिवेल्प बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी की में अगर बात करें तो कहते हैं कस्टमर सर्विसेज में सिंपल उसने इलेक्ट्रॉनिक सेल के पहले कहते उसने इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पहले इंक्रीज करनी चाहिए। जैसे कि एज इन अ पेमेंट ऑफ प्रीमियम थ्रू द क्रेडिट कार्ड ऑन इंटरनेट। कहते हैं कि अगर जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो होती है तो उनमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी, जैसे कि आप अच्छे से पेमेंट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्लेम सेटलमेंट अच्छे से हो जाए, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सर्विसेज देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से कस्टमर घर बैठे ही अपनी डीलिंग और अपने काम कर सके। आगे इन्होंने बताया, कहता है कि हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की, उस केस में कहते हैं उनका जो नेचर जो होता है लाइफ इंश्योरेंस का वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। और वहाँ कहते हैं पॉसिबिलिटी होती है चेंजेस की, चेंजेस कहते हैं दोनों साइड तरफ से हो सकते हैं, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी भी कोई चेंज कर सकती है, प्लस कस्टमर भी कहते हैं कोई चेंज कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी कैसे चेंज कर सकती है कि अपना प्रीमियम, ठीक है, इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, कोई बोनस इशू कर सकती है, ठीक है। और कस्टमर की तरफ से बात करें तो कोई एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, कोई नॉमिनी चेंज हो गया, ऐसे कहते हैं अलग अलग चीज़ें चेंज होती है। और इस केस में कहते हैं आपको अलग अलग एक्शंस भी होते हैं, जैसे कि अगर आप, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको ईयर वाइज आपने प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है, उनकी रूटीन वाइज आपने प्रीमियम पे करना होता है, तो उस केस में कहते हैं सिंपली आपको जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है कहते वो अच्छे से और टाइम टू टाइम प्रॉपर टाइम के साथ आपको ये मिलनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कहते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने कहते हैं अपने जो इंश्योरेंस बिजनेस है कहते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए कहते हैं आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हैं उनकी हेल्प लेनी होगी। जैसे कि हमने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से कहते हैं आपको देखा था आपने कि अलग अलग चैनल्स होते हैं, जैसे कि एजेंट है, ब्रोकर है, बैंक इंश्योरेंस है, ठीक है, बैंक्स हैं, तो कहते हैं उनमें से जो भी आपको बेस्ट और सूटेबल लगता है, ठीक है, आप उनकी हेल्प से जाके कहते हैं अपने मार्केटिंग कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस विल बी स्मूदर थ्रू द वाइड नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ बैंक। अगेन कहते हैं अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आप कहते हैं ब्रांचेस से काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है, सो दैट कि अगर आपकी एक ब्रांच ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, मतलब कि अगर आपने एक ब्रांच की एडवर्टाइजमेंट नहीं की तो दूसरा करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ब्रांचेस सेम है, ठीक है, जो मेन बैंक है कहते हैं वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोशन। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एक्सपेंडिंग द मार्केट। सिंपली इसमें क्या कहते हैं कि आज की डेट में देखें तो कहते हैं जो अवेयरनेस है, ठीक है, लोगों की तरफ, उनमें लोगों में अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरफ कहते हैं वो उनमें लेके आना कि वो कहते हैं काफ़ी मेन चैलेंज है। पीपल शुड रियलाइज एंड फील द नीड ऑफ इंश्योरेंस। कहते हैं पीपल को देखना चाहिए, उनको फील होना चाहिए कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है आज के टाइम में स्पेशली, एंड नो अबाउट द स्पेशल सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन फॉर अ स्पेशल नीड। कहते हैं ऐसे जो स्पेशल नीड होती हैं जो कि कंपल्सरी भी होती हैं, उनके जो नेचुरल होते हैं, ठीक है, उन्हें उनके लिए कहते हैं जो इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट बनाए गए उनके जो क्या नीड है, ठीक है, उनके क्या फ्यूचर्स हैं, उन सभी को जानने की कहते हैं काफ़ी मेन ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं सिंपल इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम क्या है कि अपने लोगों को कहते हैं कि अपने जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको अवेयर करें, ठीक है, अवेयर करने के साथ ही अपने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उनको बताएं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग। टिल टूडे एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस LIC इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, बट इन द फील्ड ऑफ अ जनरल इंश्योरेंस देयर वॉज नो सच स्ट्रॉन्ग ब्रांड। कहते हैं अगर ब्रांड की बात करें तो कहते हैं आपको अपना ब्रांड एक, ठीक है, नाम जो होता है कहते हैं वो अपने बिजनेस सेक्टर में कहते हैं सेटअप करना चाहिए। अगर हम LIC की बात करें तो कहते हैं वहाँ पे LIC जो कंपनी कहते हैं वो काफ़ी अच्छे से उसने अपना नाम जो है सेटअप कर लिया है, बट अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे कहते हैं किसी का भी नेम जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड में नहीं आता, ठीक है, तो उसकी बात की गई थी कि फॉर इफेक्टिव ब्रांड बिल्डिंग
सिक्योरिंग एंड रिटेनिंग द कस्टमर इज अ वेरी नेसेसिटी, कहते हैं अपने कस्टमर्स को सिक्योर रखना, ठीक है, उन्हें अपने साथ ही बनाए रखना काफ़ी मेन और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, ठीक है. द प्रॉमिस ऑफ अ कस्टमर, द प्रॉमिस ऑफ अ कंपनी इज ऑथेंटिक, दिस हैज़ टू बी मेड नो टू दी कस्टमर, कहते हैं जो कस्टमर का जो कंपनी का जो प्रॉमिस है, कहते हैं काफ़ी ऑथेंटिक होना चाहिए. कहते हैं अगर आपने जो प्रॉमिस किया, ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ आपने कोई भी ऐसी डील दी है कि हम आपको ऐसे 3 साल बाद 4 साल बाद इतने पैसे देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं आपने फ्रॉड को मीट नहीं करना होता, आपने जो प्रॉमिस किया है आपका प्रॉमिस एटलीस्ट पे तो होना चाहिए. इसी से कहते हैं आपको जो कस्टमर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ ही रिटेन रहेंगे. नेक्स्ट है इंटरनेट मार्केटिंग. सिंपल, जैसे कि आपको पता है कि जो इंटरनेट मार्केटिंग है, कहते हैं, काफ़ी कॉमन फैक्टर बन चुका है, ठीक है. जैसे कि अगर बात करें तो कोई भी जो व्यक्ति कहते हैं वो इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है, अपने ब्रांड को, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, कहते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर सकता है. तो ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, जिससे कहते हैं आप काफ़ी इजीली और काफ़ी चीप प्राइस में, कहते हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है मीडिया. सिंपल, यहाँ मीडिया की बात में बात की गई है, ठीक है. तो यहाँ आपने बताना है कि अगर आप कोई भी कहते हैं प्रमोशन करते हो, ठीक है, मार्केट करते हो, तो वहाँ पे कहते हैं आपके पास कौन से ऐसे मीडिया है, जैसे कि टेलीविजन है, ठीक है, रेडियो है, प्रिंटिंग प्रोसेस है, आपका टेलीफोन है, इंटरनेट है, काफ़ी सारे कहते हैं अलग अलग आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप अच्छे से कहते हैं इंटरनेट की हेल्प से और विदाउट इंटरनेट की भी हेल्प से कहते हैं आप अपने अच्छे से प्रमोशन कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस. ये तो आपको पता है कि आप अपने जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कहते हैं इंक्रीज करने के लिए कहीं भी कहते हैं आप जाके कहते हैं सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि लोग आएंगे, ठीक है, आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है, वहाँ पे इंटरेस्ट होगा और वहीं से कहते हैं आपके जो कस्टमर्स हैं वो जनरेट होंगे, ठीक है. उसके बाद लास्ट है आपका सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट. प्रोवाइडिंग कस्टमर विद अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट इज अनदर कॉमन मार्केटिंग. सिंपल, कहते हैं अगर जो आपके कस्टमर के डिमांड किए, कहते हैं अगर हम उसी की बात करें तो यहाँ तो कहते हैं आप उसकी जो सेटिस्फेक्शन है या तो आप उसको फिलफिल करो, ठीक है, प्लस उसी के साथ क्या कहते हैं आप उसको कहते हैं अच्छे से कहते हैं सुपीरियर क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट दो, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई होगा, ठीक है, आपके जो कस्टमर से कहते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, आपके साथ, देन वो आपके अपने फ्रेंड फैमिली के साथ के आपके जो एक्सपीरियंस है उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, ठीक है, उसी के बेस पे कहते हैं आपके अलग अलग कस्टमर्स कहते हैं जनरेट होते हैं. तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है कि आपके पास जितने भी कस्टमर्स हैं सबसे पहले तो आप उनको खुश कीजिए, ठीक है, अगर वो खुश होंगे तभी कहते हैं वो अपने आप कहते हैं 1 से 2 दोस्त हैं कि इंक्रीज होते जाएंगे आपके कस्टमर्स.